हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे रेड सेजवान सॉस पास्ता। देखिए हमारा पास्ता कितना ही अच्छा लग रहा है, देखिए कितना ही यमी है ये। इसको दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए कितना ही अच्छा बना है। आज मैंने पैनी पास्ता का यूज़ किया है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, मेयो, चीज, रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो सॉस, शेजवान सॉस। मैंने गैस पे पतीला रख दिया पैनी पास्ता को बॉईल करने के लिए। अब इसको 5 से 7 मिनट तक बॉईल कर लेंगे अच्छे से। पास्ता हमारा बॉईल हो चुका था, हमने इसको स्ट्रेन कर लिया। अब कढ़ाई में मैं ऑयल डाल रही हूँ। इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हमें हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। वन स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अब इसको भी अच्छी तरह से भून लीजिए। अब मैं इसमें सब्जियाँ डाल रही हूँ, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर ली है। आप कोई भी सब्जियाँ यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। सब्जियों को हमको ओवर कुक नहीं करना, इसमें क्रंच रहना चाहिए। अब इसको भून लीजिए। अब इसमें मैं शेजवान सॉस डाल रही हूँ। अब इसको भून लीजिए अच्छी तरह। अब मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। काली मिर्च डाल रही हूँ। पास्ता पाउडर डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। अब मैं इसमें टोमेटो केचप डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टैंगी टेस्ट आता है पास्ता में। मेयो डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, इसके बिना भी बहुत अच्छा बनता है पास्ता। अब इसको भून लीजिए अच्छी तरह। अब इसमें मैं बॉईल किया हुआ पास्ता डाल रही हूँ, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। पास्ता हमारा मिक्स हो चुका है। थोड़ी शेजवान सॉस और डाल रही हूँ। थोड़ी सी सीजनिंग डाल रही हूँ। रेड चिली फ्लेक्स, और चीज डाल रही हूँ। चीज आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए।
तब तक ये चीज़ मेल्ट ना हो जाए। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख लीजिए। पाँच मिनट हो चुके हैं, अब देखिए ये देखिए चीज़ हमारा मेल्ट हो चुका है अच्छे से। पास्ता हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब ऊपर से सीजनिंग डाल रही हूँ थोड़ी सी। अब सर्व कर लेते हैं इसको। ये देखिए हमारा पास्ता बन के तैयार हो चुका है, देखिए कितना ही यमी लग रहा है। ये देखिए कितना ही यमी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।